हेलो किड्स, वेलकम बैक। आई एम वंदना एंड वी आर लर्निंग साइंस ऑफ क्लास 3 बाय ब्रेन रूट सीरीज एंड हियर इज अ बुक साइंस स्पार्क। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम इज आवर वंडरफुल बॉडी। सो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर बॉडी। So what all things we are going to learn here? We are going to learn the structure of human body kaisi hai and our organ system. Kaun kaun se organs hai humari body mein. Let's start with the warm up exercise. Find out the name of the body part with the help of the picture clues. Yahan pe kuch pictures bani hui hai, aapko unhe dekhna hai and यहाँ पे इस पजल में आपको उनके नेम फाइंड आउट करने हैं। सो आप देख सकते हो फीट एंड लाइक दिस चिल्ड्रन, यू हैव टू फाइंड आउट द रेस्ट वर्ड्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड फाइंड आउट द रेस्ट। नाउ आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरीके से है। In our everyday lives, we use a number of machines. हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अलग अलग तरीके के बहुत सारे machines को use करते हैं। All machines are made up of smaller parts. जितनी भी मशीनें हम use करते, चाहे वो TV हो, चाहे वो fan हो, चाहे वो car हो, कोई भी machine हो, ये सब बनाने के लिए छोटे छोटे parts लगते हैं। For example, a laptop is made up of keys, screen, etc. लैपटॉप को बनाने के लिए कीज चाहिए, स्क्रीन चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सिमिलरली आवर बॉडी ऑल्सो हैज़ मैनी पार्ट्स, इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। और कुछ के तो आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही है। लेट्स लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे बनी है, दिस वी आर गोइंग टू लर्न हियर। सो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड अ सेल, हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट है उसे हम सेल कहते हैं। ये देखिए, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। सेल्स क्या है, बहुत सारे सेल्स मिलके जो है बॉडी हमारी बनती है। तो सेल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी के एंड मैनी सेल्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म टिश्यू। अब ये बहुत सारे सेल्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। सिमिलर टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन, अब ये टिश्यूज आगे जाके ये और भी ज़्यादा टिश्यूज आपस में मिलके क्या बन जाते हैं, एक ऑर्गेन। ऑर्गेन हेल्प यू टू कैरी आउट आवर एवरीडे एक्सरसाइज। सो ऑर्गेन क्या करता है, हमें हेल्प करता है हमारे रोज के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कैरी ऑन करने में। अब ऑर्गेन आगे जाके बन गया हमारा ऑर्गेन सिस्टम। सो सम ऑर्गेन्स वर्क टुगेदर टू डू अ सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, कुछ ऑर्गेन्स मिलके एक तरीके का काम करते हैं, दे फॉर्म एन ऑर्गेन सिस्टम और ये ऑर्गेन सिस्टम बन जाते हैं। ऑल द ऑर्गेन सिस्टम टुगेदर मेक अप एन ऑर्गेनिज्म सच एज एन एनिमल और अ ह्यूमन बींग। सो ये जितने भी ऑर्गेन सिस्टम है ये एक साथ मिलके क्या बन जाता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, चाहे वो एनिमल हो सकता है चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है। लेट्स लर्न अबाउट आवर ऑर्गेन सिस्टम। सो एन ऑर्गेन सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गेन्स, ऑर्गेन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गेन से बनता है, दैट टुगेदर परफॉर्म वन मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, एक साथ मिलके एक बॉडी का मेजर फंक्शन करते हैं एंड दिस इज द ऑर्गेनिज्म जो बनता है इन सारे ऑर्गेन सिस्टम के वजह से। लेट्स लर्न व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। सो द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो किससे बनता है, बोन्स से, मींस हड्डियों से। आप देख रहे हो ये सारा हड्डियों का ही ढांचा है। द बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम हेल्प्स टू गिव शेप टू द बॉडी, ये जो बोन्स होते हैं, ये जो हड्डियाँ हैं, अगर ये ऐसी ना होंगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी को शेप नहीं मिलेगा। तो ये हेल्प करती हैं, भगवान ने ऐसा ही सबके बॉडी में फिट किया है तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है।
द बोन्स ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट भी देता है, शेप तो देता है साथ साथ सपोर्ट भी देता है. विदाउट देम द बॉडी वुड बिकम लिम्प. सो अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी जो है शायद कहीं मूव ऑन ना कर पाए, एक लिम्प की तरह वो पड़ी रहे. द स्कल इज द इन द स्केलेटन प्रोटेक्ट द ब्रेन. जो स्कल का जो पार्ट है हमारे स्केलेटन में, ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. लाइक अ हेलमेट, जैसे कि हम कहीं भी जाने से पहले क्या करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, तो हेलमेट क्या करता है, हमारे सिर को प्रोटेक्ट करता है. वैसे ही ये जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. द रिब फॉर्म अ केज, ये जो रिब्स हैं आप देख सकते हो ना, ये रिब्स दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई केज है. तो ये जो रिब्स है ये केज बन जाते हैं. दैट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स, ये क्या करता है, हमारे हार्ट को मीन्स दिल को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. द बैकबोन हेल्प्स अस टू सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट, और हमारे जो बैकबोन है मीन्स जो रीढ़ की हड्डी है वो हेल्प करती है हमें बैठने में और सीधे खड़े होने में. तो आप देख सकते हो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है जिसमें स्कल आता है, रिब्स आते हैं और बैकबोन आता है, और यहाँ पे है हमारे जॉइंट्स मीन्स जोड़. ये सारे मस जो आपके बोन्स हैं वो आपस में जुड़े कैसे हैं, इन जॉइंट्स की वजह से. चिल्ड्रन डू यू नो दैट द बॉडी ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 300 बोन्स. आपको क्या पता है कि जो नया सा एक बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी में 300 बोन्स होते हैं, विच इज़ मोर दैन द नंबर ऑफ फाउंड इन अडल्ट बॉडी विच इज़ 206. लेकिन एक बड़े इंसान की बॉडी में 206 बोन्स होते हैं. तो आप देखो बच्चे की बॉडी में 300 बोन और एक बड़े इंसान की बॉडी में 206 बोन्स होते हैं. ऐसा क्यों होता है ये 300 बोन्स, क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है उसके सारे बोन्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है सारे जो बोन्स जो आपस में जोड़ जोड़ के 206 ही रह जाते हैं. चिल्ड्रन बोन्स आर ऑफ मैनी शेप एंड साइज, बोन्स जो हैं अलग अलग शेप और साइज के होते हैं. The longest and the thickest bone in the body is the one between the hip and knee. So, सबसे बड़ा और सबसे thickest means सबसे मोटा जो bone है वो कहाँ होता है, हमारे hips और knee के बीच में होता है. Two or more bones join together and form a joint. दो से ज़्यादा बोन्स जब आपस में जुड़ते हैं तो जॉइंट बन जाता है. जॉइंट हेल्प इन मूवमेंट, और ये जो जॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट में हमें हेल्प करते हैं. तो हमारी उंगलियाँ देखिए कितने सारे जॉइंट्स हैं, 1, 2, तो जिसकी वजह से उंगली को हम कैसे भी इसे मोड़ सकते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मस्कुलर सिस्टम. अब ये है आपके सामने मस्कुलर सिस्टम. तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है उसके ऊपर ही ये मस्कुलर सिस्टम होता है, इसे हम मसल्स भी कहते हैं. The system that helps us in the movement of the inner and outer organ. ये जो system है ये क्या करता है, help करता है हमें move करने में जो बाहर और अंदर के जो भी organs हैं उन्हें. Of the body is the muscular system. इसे muscular system कहते हैं. The bones are joined to the muscles. जो bones हैं वो इस muscles से जुड़े होते हैं. जो आपने अभी देखा था ना skeletal system, अब वो क्या है, उसके ऊपर पूरा मसल का कवर है, तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. मसल्स आर स्ट्रेची बैंड्स, मसल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची होते हैं. दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस मूव, ये क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं ताकि हम मूव कर सकें. आवर हार्ट कीप्स बीटिंग एंड द फूड वी ईट मूव्स थ्रू आवर बॉडी बिकॉज ऑफ द मसल्स, हमारा जो दिल है धड़कता रहता है मसल्स की वजह से. और जो हम खाना खाते हैं ना वो पूरे बॉडी में मूव करता है, पेट में मूव करता है इन मसल्स की ही वजह से. सो दिस इज द मस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स अस टू मूव एट डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट पार्ट्स. नेक्स्ट कम्स डाइजेस्टिव सिस्टम. सो द सिस्टम ऑफ ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. सो ये जो है ये क्या है, ये सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जो फूड है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, और ये सब मिलके बन जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम.
एंड द ऑर्गेन दैट हेल्प इन डाइजेशन, ये जो ऑर्गेन जो काम करता है इस डाइजेशन का, खाने को पचाने का काम करता है, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ. डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ होता है, फूड पाइप होता है, माउथ, फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन पैंक्रियास, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. तो ये सारे किसके पार्ट हैं? ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं. तो मुंह से शुरू होता है और आपके एनस तक ये पार्ट चलता है. इन द माउथ वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. माउथ में क्या करते हैं, हम अपने दांतों की वजह से खाने को चबाते हैं, उसे और छोटे टुकड़ों में कर देते हैं. दिस फूड मिक्सेस विद सलाइवा एंड बिकम सॉफ्ट. ये जो खाना है वो हमारे सलाइवा मीन्स हमारे थूक के साथ मिक्स हो जाता है और खाना सॉफ्ट हो जाता है. द फूड पाइप कैरियज द फूड इन टू द स्टमक. अब जो भी खाना हमने खाया, जो भी खाना हमने चबाया, जो भी खाना सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, वो कहाँ जा रहा है? अब वो फूड पाइप में जा रहा है एंड यहाँ से ये चला जाता है हमारे स्टमक में. इन द स्टमक द फूड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड डाइजेस्टेड फर्दर. अब स्टमक में ये जो फूड है वो मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ और आगे जाके डाइजेस्ट हो जाता है. द फूड देन पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये जो खाना है जो पच चुका है वो हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. हियर द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियास कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब यहाँ पे कौन कौन काम करते हैं? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन काम कर रहा है, हमारा जो ये लिवर है वो काम कर रहा है, हमारा जो पैंक्रियास है वो काम कर रहा है. तो ये सब क्या कर रहे हैं? मिलके काम कर रहे हैं और हमारे खाने को पचा रहे हैं. तो ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे खाने को पचा रही हैं. द डाइजेस्टेड फूड इज देन अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड. अब जो खाना पच गया है तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में मिल जाते हैं. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो खाना पच गया वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो नहीं पचा वो कहाँ चला जाता है? इस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है एंड इज फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस. और ये जो हमारा एनस का पार्ट है, यहाँ से ये अनडाइजेस्टेड खाना निकल जाता है बॉडी से बाहर. तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. अब लेट्स रीड दिस. सो ये है हमारा माउथ, फिर है हमारा फूड पाइप. दिस रेड इज योर लिवर. ये जो येलो पार्ट है स्टमक है. यहाँ पे है ये आपका छोटा सा पैंक्रियास, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर है आपका एनस. तो ये सब मिलके बनते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम. चिल्ड्रन डू यू नो दैट अ बोन इज स्ट्रॉन्गर दैन अ स्टील रॉड. आपको क्या पता है कि जो बोन होता है वो स्टील के रॉड से भी ज़्यादा मजबूत होता है? ऑफ द सेम वेट. एक ही वेट के अगर दोनों हो तो. टू मेक इट स्ट्रॉन्ग बट लाइट इट हैज़ स्पॉन्जी स्पेसेस इनसाइड इट. इसे जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए इसके अंदर आपको स्पॉन्जी स्पेसेस मिलते हैं. नेक्स्ट कम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके सामने देख सकते हो आप. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी को रिलीज करने का फूड में से, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं. सो फॉर दिस ऑक्सीजन इज नीडेड. खाने को पचाने के लिए ऑक्सीजन का भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें. सो इस काम के लिए क्या है? हमें ऑक्सीजन चाहिए. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. अब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले आता है हमारा नाक, नोज, फिर आते हैं हमारे क्या, लंग्स, और हमारा ये विंड पाइप. वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू आवर नोज. हम अपनी नोज से क्या करते हैं, जो भी एटमोसफियर में ऑक्सीजन है उसे हम ले लेते हैं. इट देन रीचेज द लंग्स. अब वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुँचता है थ्रू द विंड पाइप, विंड पाइप से गुजर के. द हेयर इन द नोज हेल्प्स टू प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स. अब जो है हमारे नाक के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो भी डस्ट है, जो भी जर्म्स है उसे बॉडी के अंदर घुसने से.
So this is your respiratory system, children. The blood in the lungs absorbs oxygen. ये जो blood होता है हमारे lungs में वो क्या करता है, इस oxygen को absorb कर लेता है और उसे पूरे body parts तक पहुँचा देता है. The air that we breathe out is carbon dioxide. अब जितने body parts में carbon dioxide थे वो सारा blood carry करके हमारे lungs तक पहुँचाता है and हम carbon dioxide को release करते हैं. So ये जो carbon dioxide है ये क्या है, ये एक waste product है. Children, you have to do this and learn that you have to take a deep breath. आपको एक गहरी सांस लेनी है. Your lung expand. आप देखेंगे कि आपके lung क्या है, expand हो रहे हैं, फूल गए हैं. Now release the air. अब आपको हवा छोड़ देनी है, air को छोड़ देना है. Your lungs contract. आपके lungs क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं. Now when you blow air into a balloon, जब आप किसी balloon में हवा भरते हैं तो क्या होता है, your lungs expand और contract. आप बताइए कि आपके lungs क्या फूल जाते हैं balloon में हवा भरते हुए या पिचक जाते हैं. So this you have to do and you have to write here. Next comes circulatory system. अब children आपके सामने आता है अगला system हमारी body का जिसे हम circulatory system कहते हैं. अब आप कहोगे कि ये इतनी सारी red and blue lines क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं. सो चिल्ड्रेन, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, आपका हार्ट मिलेगा, ब्लड वेसल्स मिलेगा और ब्लड मिलेगा. द हार्ट बीट्स थ्रू आउट आवर लाइफ. जब तक हम जिंदा रहते हैं हमारा हार्ट धड़कता रहता है, दिल धड़कता रहता है. इट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है ना वहाँ तक क्या करता है, ब्लड को पहुँचाता है थ्रू ट्यूब. कुछ ट्यूब्स हैं उनकी मदद से. एंड दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. और ये जो ट्यूब्स दिख रहे हैं ना इन्हें ही हम ब्लड वेसल्स कहते हैं. तो ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुँचाते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाते हैं. The heart is a muscular organ that pumps blood. ये एक muscular organ है जो क्या करता है, blood को pump करता है. Blood vessels are tube that carry blood throughout the body. Blood vessels क्या हैं, ये tubes हैं जो blood को पूरे body तक पहुँचाते हैं. The heart, blood and blood vessels form the circulatory system. So आप जो ये हार्ट है हमारा या जो ब्लड है या जो ब्लड वेसल है ये सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं. ब्लड ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड फूड टू सेल. ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और फूड को हमारे सेल्स तक पहुंचाता है. अभी हमने पढ़ा था ना सेल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज यू स्टार्ट स्वेटिंग. तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई मेहनत का काम करते हैं तो अचानक से आपको स्वेट होने लगता है, मींस पसीना आने लगता है. दिस हैपेंस बिकॉज योर मसल सेल्स नीड मोर ऑक्सीजन. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो मसल के जो सेल्स हैं ना उन्हें और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. एंड फूड, फूड की भी ज़रूरत होती है. And you breathe rapidly to fulfill this need. और इस need को पूरा करने के लिए हम बहुत गहरी सांस लेने लगते हैं, सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं. That is why your heart also pumps faster. और इसकी वजह से हमारा जो दिल है वो जल्दी जल्दी धड़कने लगता है. So this is your circulatory system जिसमें arteries और veins included हैं. तो यहाँ पे जो रेड और ब्लू लाइन्स है वो क्या है, आर्टरीज और वेन्स. नाउ चिल्ड्रेन लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. स्ट्राइक आउट द नेम ऑफ द ऑर्गन दैट डज नॉट बिलोंग टू द गिवन ऑर्गन सिस्टम. आपको उस नाम को काटना है जो दिए गए ऑर्गन सिस्टम का पार्ट नहीं है. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है तो क्या स्टमक, माउथ, नोज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कुछ ऑप्शन देंगे. तो इसमें से कौन सा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसमें नोज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है. सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हार्ट, ब्रेन, ब्लड, ब्लड वेसल्स तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है. सो लाइक दिस यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस.
Now let's move on to the nervous system. अब हम पढ़ेंगे nervous system के बारे में. So when you touch something hot, जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, you immediately take your hand away. आप क्या करते हो? अगर गर्म चीज़ पे हमारा हाथ लग जाता है तो हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं. Do you know what tells you to take your hand away? कौन बोलता है आपसे कि अपना हाथ हटा लो? कौन आपको ये इंडिकेशन देता है? From the hot object. It is the nervous system. तो ये कौन है जो हमें ऐसा करने को बोलता है? ये है हमारा nervous system, जो हमसे कहता है कि चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ से हाथ हटा लो. So the nervous system is made up of brain, spinal cord and a large number of nerves. ये जो nervous system है, ये brain, spinal cord और जो बहुत सारे nerves हैं, उन सबको मिला के बनता है. That covers all part of our body. जो क्या करते हैं, हमारी body के जो भी parts हैं उन सबको cover करता है. Nerves take information from different parts. Nerves क्या करते हैं, information लेते हैं अलग अलग parts से of our body and send it to brain. हमारी body के सारे parts से लेते हैं और उसे brain तक भेजते हैं. The brain sends signal to the nerves. अब brain क्या करता है, हमारे nerves को सिग्नल भेजता है. इंट्रोड्यूसिंग द ऑर्गन ऑन व्हाट टू डू. सो ये बताता है ब्रेन कि हमें आगे क्या करना है. ऑल द नर्व्स इन आवर बॉडी आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. जितने भी नर्व्स हैं हमारी बॉडी में, वो सब हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हैं ब्रेन से. All our actions such as hearing, seeing, reading, walking and so on are controlled by our nervous system. जितने भी हमारे actions हैं, चाहे वो hearing means सुनने का काम हो, seeing means देखने का काम हो, reading means पढ़ने का काम हो, walking means चलने का काम हो, या इसमें से कोई भी काम हो, ये सब कुछ जो है हमारे nervous system control करता है. Next comes the excretory system. Our body generates different types of waste. हमारा जो body है वो क्या करता है, अलग अलग तरीके का waste generate करता है, कूड़ा generate करता है. This waste need to be removed. ये जो waste है, इसे जो है remove करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. From our body as it can cause harm. क्योंकि अगर ये waste हमारी body से नहीं निकला तो ये हमारी body को नुकसान पहुंचा सकता है. सो द वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, वो स्वेट के मींस पसीने के फॉर्म में निकलता है, यूरिन के फॉर्म में निकलता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमारी बॉडी से निकलता है. वी हैव टू किडनीज. हमारी बॉडी में टू किडनीज होती हैं दोनों साइड में. They clean the blood and make urine. ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लीन करते हैं और यूरिन को बनाने का काम करते हैं. The ureters carry the urine from the kidney to the bladder. अब ureter क्या करता है, जो यूरिन है उसे जो है कैरी करता है और लेके ब्लैडर तक पहुंचाता है. The excretory system consists of the pair of kidneys, ureter, the bladder and the urethra. सो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. हमारे पेयर ऑफ किडनीज आते हैं, यूरेथर्स आते हैं, ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा आता है. इट रिमूव्स द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, इसे ये रिमूव करने का काम करते हैं. द किडनीज मेक यूरिन विच इज कैरीड बाय द यूरेथर्स टू द ब्लैडर एंड पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा. जो किडनीज है वो यूरिन को बनाती हैं, जो यूरेटर्स जो है ब्लैडर्स तक पहुंचाते हैं और वहां से ये जो है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर की तरफ आ जाता है. सो दिस इज आर यूरेथ्रा. नाउ द लंग्स एंड द स्किन ऑल्सो रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. हमारे जो लंग है और जो स्किन है वो भी वेस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं बॉडी में से. द लंग्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. लंग्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं और जो स्किन है वो रिमूव करता है स्वेट को हमारी बॉडी से. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो दे आर स्पेशल ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट हेल्प ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस यंग वंस. तो ये एक ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स है हमारी ह्यूमन बॉडी में जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं यंग वंस को प्रोड्यूस करने में. दे फॉर्म द रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
और ये मिलके हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक. व्हाट ऑल वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रिवाइज हियर. सो ईच पार्ट ऑफ अवर बॉडी परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन. जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. सेल्स आर स्मॉलर पार्ट एंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी. सेल्स क्या हैं? ये छोटे पार्ट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के. देर आर 206 बोन्स इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. नर्वस सिस्टम क्या है? इसमें हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और नर्व्स आते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर. नाउ हियर वी हैव लर्न न्यू वर्ड्स. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज सेल. सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. एंड डाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, फूड को टर्न करता है सब्सटेंसेस में जिसे ईजिली हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर सकती है. Now children, let's move on to book exercise. A exercise is take the correct option. Muscles are attached to. Muscles किससे attach होते हैं? क्या bone से, nerve से, blood vessel से या joint से? So they are attached to the bones. Heart is an organ of excretory system, nervous system, digestive system or circulatory system. So it is the organ of सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्मफुल सब्सटेंसेज आर एलिमिनेटेड थ्रू. हार्मफुल सब्सटेंसेज कैसे निकलते हैं? किडनी से, लंग से या फिर स्किन से या फिर इन सब से. तो इन सब से हार्मफुल सब्सटेंसेज निकलते हैं हमारी बॉडी से. सो लाइक दिस चिल्ड्रन यू हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. सिमिलर टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म. एक जैसे टिश्यू ज्वाइन करके टुगेदर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ऑर्गेन्स. द डैश सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स. कौन सा सिस्टम है जो बोन से बनता है? सो द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स. सो लेट्स राइट हियर स्केलेटल. The dash are stretching bands. क्या हैं जो इन्हें stretching bands कहा जाता है? So muscles are stretching bands. So like this children, you have to do the rest two questions yourself. Now let's move on to C part which is unjumble the words to form the to get the correct answer. The nutrients from food आर अब्जॉर्ब इन दिस ऑर्गन. जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में से वो इस ऑर्गन में अब्जॉर्ब होता है. सो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. द वी च्यू फूड इन दिस ऑर्गन. इस ऑर्गन में हम फूड को च्यू करते हैं. सो दिस इज आवर माउथ. सो सिमिलरली चिल्ड्रन डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. Now let's move on to D part which is answer the following questions. So children, the first question is what is a organ system? So children, various organs, they work together to perform one major function. And these organs together form the organ system. Next is state the function of heart. So the function of heart is to pump blood to all the parts of the body. It carries, it pumps the oxygenated blood to the different parts of the body and it carries out the deoxygenated blood from our lungs. It sends to the lungs and from there it comes out of our nose. So this is the function of our heart. Now how are muscles useful to us? Why do we have kidneys and why should we exercise? So these three questions children, you have to do it yourself. And with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then stay tuned and thanks for watching.